हमने सीखा। पहला, एक घात वाले दो चरों से बने समीकरणों के आलेख सदैव सरल रेखा होते हैं, इसलिए एक घात वाले दो चरों के समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरा, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तब समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती हैं, तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। चौथा, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती रेखाएं होती हैं, तब समीकरणों के अनंततः अनेक हल होते हैं। पांचवा, दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, a1x plus b1y बराबर c1, a2x plus b2y बराबर c2। उपरोक्त निकाय में यदि पहला, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं, वह समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। दूसरा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, वह समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 हो, रेखाएं संपाती होती हैं, वह समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। वास्तव में दिए गए दोनों समीकरण एक जैसे ही होते हैं।